अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। तो उम्मीद है कि सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यार काफ़ी दिनों के जब व्लॉग अपलोड नहीं किया था तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग एक अपलोड कर लिया जाए अपनी डेली रूटीन के बारे में, क्योंकि रमज़ान चल रहा है आज, यहाँ पर दूसरा रोज़ा है। तो मैंने कहा भी कि प्राइसिस के बारे में जो व्लॉग है वो रमज़ान के बाद ही देंगे, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा बहुत आजकल गर्मी भी पड़ रही है। कल मौसम ठीक लेकिन आज धूप है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा जी आज ना यूनिवर्सिटी की रूटीन के बारे में और मेरी डेली रूटीन के बारे में वो लोग बुलाते हैं, ठीक है जी। और अभी मैं रेडी हुआ, हम जा रहे हैं पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल फुरकत हॉस्पिटल में। तो अभी मैं रेडी हुआ जी और मैं जा रहा हूँ बाहर, हमारे सर आए हैं हमें लेने के लिए, और देखें कि कितने लविंग और केयरिंग सर हैं। वो हमें लेने आते हैं डेली बेसिस पे। आज हमारी दूसरी क्लास है उनके साथ फुरकत हॉस्पिटल में। तो अभी वो हमारा वेट कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कुछ क्लासेस की रूटीन इस तरह से है कि पर सब्जेक्ट हमारी जो है वो 18 क्लासेस होती हैं, और हमारी अभी इसकी पीडियाट्रिक्स की ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हुई हैं और मज़ीद क्लासेस हमारी 15 रह गई हैं। तो आज हमारी इनके साथ सर के साथ चौथी क्लास है। मज़े की बात बताऊँ आपको, तो सर कहते हैं यार आफ्ताब डोंट वेस्ट योर मनी, ठीक है मैं गाड़ी लेके आता हूँ, मेरे साथ बैठ के जाया करो। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो लोग उज़्बेक लोग हैं वो किर्गिज़ से कितने हटके हैं, और बहुत ही पोलाइट लविंग केयरिंग, और यहाँ पे रहने का मज़ा आ रहा है चाहे हम हॉस्टल में क्यों नहीं रह रहे। मास्क ये अभी भी ज़रूरी है, जब बाहर निकलें मास्क लगा के निकला करें। पाकिस्तान में आपको पता है कि सिचुएशन कितनी ख़राब हुई पड़ी है, यहाँ पे तो वैसी सिचुएशन नहीं है, हम बाहर इजीली आ जा सकते हैं। तो जब भी बाहर निकलें मास्क वगैरह लेके साथ और सैनिटाइज़र वगैरह लेके, बल्कि मास्क पहन कर और सैनिटाइज़र वगैरह अपने साथ ले कर ही बाहर निकला करें। तो ये आपके लिए छोटी सी सिचुएशन है। जी जी, पीछे हमारी हॉस्टल का मेन गेट। तो मैंने पहले हॉस्टल का व्लॉग अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो मेरे हमारे हॉस्टल को जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी बिल्डिंग जो है हमारे हॉस्टल की। जी हाँ जी, हमारे सर कदीर साहब आ गए हुए हैं दमास लेके। आपको बताया था कि सर आ गए होंगे, सर तकरीबन टाइम से 10-15 मिनट पहले ही आ जाते हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे ग्रुप की गर्ल्स का, तो जैसे ही वो आती हैं तो फिर हम लेने के लिए निकलते हैं। वैसे तुम्हारी 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 8 भी जो है वो बजने वाले हैं। तो आज आई थिंक हम जा रहे हैं जी पल्मोनोलॉजी वार्ड में, तो वहाँ पे हम ब्रोंकियल एस्मा के आज पेशेंट चेक करेंगे, या जो भी इसके रिलेटेड पेशेंट होंगे आज वो हम चेक करेंगे। और ये हमारी थोड़ी सी आजकल क्लिनिकल रोटेशन चल रही हैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। चुके हुए हैं जी हॉस्पिटल के मेन डोर की तरफ। बाकी हमारे भी दोस्त आ रहे हैं, वो टैक्सी पे आ रहे हैं, क्योंकि वो लेट हो गए थे थोड़ा सा। उनका भी आज आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि मेरे ग्रुप मेट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से हैं।
जी तो अभी हम आ गए जी घर, क्लास हो गई हमारी एंड, और बाकी हमारे एक रूममेट जो है वो चला गया यूनिवर्सिटी, डी ने बुलाया था, तो अफ्तारी के टाइम उनका इंट्रो करवाएंगे आपको, और अभी फ़िलहाल हम सोना चाहते हैं और सो के फ्रेश हो के फिर आपसे गपशप लगाते हैं, तब तक स्टे कनेक्टेड विद मी। हाँ जी तो अभी सो के उठा हुई ना, असर की नमाज का टाइम होने वाला, 10 मिनट रह गए हैं, और जोर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गया था, आपको बताया था रेस्ट वेस्ट करनी है, तो अभी मौसम भी अच्छा बना पड़ा है, सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, और इसके अलावा असर की नमाज के बाद थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि PDA स्टार्ट हुई हुई है, तो PDA को भी ले कर चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी करनी है, कल के लिए हमें रोमांटिक फीवर मिला हुआ है उसको रेडी करना है, तो फिर 1 घंटे का जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आधे घंटे तक या फिर सहरी कह रहा हूँ अफ्तारी के टाइम हो जाएगा जी, तो ये होती है हमारी आज की रूटीन, क्योंकि रोज़ा चल रहे हैं, अभी दोस्त वगैरह सोए पड़े हैं, तो मैं अभी 9 रुपये के कमरे से हैं, 9 रुपये मेरे रूममेट है। हाँ जी पढ़ के तो हो गए जी, मैं तो फ्री हो गया था, मूड भाई उशफाक भी पढ़ रहे हैं रोमांटिक फीवर, तो मैं रात को पढ़ूंगा, अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, 20 मिनट रह गए हैं, तो बाहर जाके कुछ जूस वगैरह ले आते हैं, और अफ्तारी करने के बाद फिर तराजी का टाइम हो जाएगा, और खाना वगैरह खा खो के हम ऑलमोस्ट 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो ये थी जी आज की मेरी रूटीन, ठीक है, तो थोड़ा सा भी लोग जो है मैंने अपनी रूटीन के बारे में बनाया, बाकी मैं नेक्स्ट वीक में कोशिश करूँगा कि प्राइसेस वगैरह के बारे में लोग बना दूँ, जैसे कोई मौसम वगैरह ठंडा होता है, तो वैसे तो मौसम आजकल इतना गर्म नहीं है यहाँ पे, लेकिन धूप वगैरह यहाँ पे काफ़ी जो है महसूस होती है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। Okay, God bless you.